साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और सुहेल कथूरिया की नई जोड़ी पिछले कुछ समय से सुर्खियां बटोर रही हैं। रविवार यानी 4 दिसंबर को इस प्रेमी जोड़े ने जयपुर के मुंडोता फोर्ट में जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई। दुल्हन के रूप में हंसिका की पहली तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। स्टारर ने भारी ज्वेलरी के साथ एक खूबसूरत लहंगा चुना है। हंसिका के मिडल पार्टेड हेयर और सटल मेकअप ने उनके लुक को और बढ़ा दिया है। मांग टीका और नथ के साथ हंसिका मोटवानी ने अपने ब्राइडल लुक को पेयर किया। कलीरों से लेकर चूड़ा तक सब कुछ हैरान कर देने वाला लगा। पिछले कुछ दिनों से हंसिका मोटवानी और सुहेल कथूरिया की शादी की रस्में जोरों शोरों पर चल रही थीं। तकरीबन एक सप्ताह पहले मुंबई में माता की चौकी से शुरू होकर इस जोड़े को सूफी रात, मेहंदी समारोह, हल्दी समारोह और संगीत रात का जश्न मनाते हुए देखा गया। अपनी शादी के दिन हंसिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर से लेकर पांव तक साज श्रृंगार में हंसिका की ब्यूटी देखने लायक थी। सुहेल कथूरिया ने इस खास दिन शेरवानी पहनी। दूल्हा बने सुहेल कम हैंडसम नहीं लगे। कपल साथ में मेड फॉर ईच अदर लगे। सुहेल और हंसिका का ये वेडिंग फोटोज वायरल हो रहा है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मंडप में हंसिका की शानदार एंट्री, वरमाला, फेरों की तस्वीरें और वीडियोस को मिस नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हंसिका और सुहेल की शादी के फंक्शन 2 दिसंबर से शुरू हो गए थे। ये कपल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आपको बता दें कि हंसिका और सुहेल करीब 8 साल से अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने साल 2019 में एक साथ एक बिजनेस भी शुरू किया था। सुहेल की हंसिका संग ये दूसरी शादी है। सुहेल ने साल 2016 में रिंकी से शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद सुहेल और हंसिका के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके चलते दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अब दोनों शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।